क्या इस देश में बहुजन समाज का होना अपराध है? क्या इस देश में किसी का मुस्लिम होना अपराध है? क्या इस देश में किसी सारस से दोस्ती करना अपराध है? और क्या इसी देश में किसी जानवर की जान बचाना अपराध है? दोस्तों, इन सारे सवालों से आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में किसकी बात करने वाला हूँ। जो वीडियो यहाँ पर चल रही है, सारस और एक आरिफ की, एक आदमी की जिसका नाम आरिफ है, इन दोनों की दोस्ती के बारे में बात करूंगा कि इन दोनों की दोस्ती कहाँ से शुरू हुई ये तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन इन दोनों की दोस्ती कहाँ पर ख़त्म हुई ये मैं बात करने वाला हूँ इसी वीडियो में। और ख़त्म करने के पीछे कौन है, किसकी साजिश थी और ये रिश्ता, ये दोस्ती क्यों ख़त्म हुई, इन्हीं सब चीज़ों पर मैं आज बातचीत करूँगा इसी वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सारस और आरिफ की दोस्ती पर खूब राजनीति हुई और शायद इसी राजनीति का कारण है कि सारस आरिफ से जुदा हो गया। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आरिफ और सारस की दोस्ती की पोल पूरे देश में खुल गई, यानी इस चीज़ की जानकारी पूरे देश में हर लोग को हो गई, तब अलग अलग नेता जाकर आरिफ से मिलने लगे। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, कद्दावर नेता अखिलेश यादव भी गए आरिफ के सारस से मिलने और आरिफ से मिलने। आरिफ को सांत्वना दे के आए थे कि कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसी के कुछ दिन बाद ही सारस को वन विभाग की टीम ने पकड़ कर कानपुर के एक चिड़ियाघर में ले जाकर कैद कर दिया गया, क्वारंटाइन कर दिया। और यहाँ तक कि उसके एक हफ्ते बाद आरिफ और अखिलेश यादव फिर कानपुर के चिड़ियाघर में गए थे मिलने आरिफ सारस से, लेकिन वहाँ के चिड़ियाघर के अधिकारियों ने कहा कि आप सारस से नहीं मिल सकते क्योंकि आपका सारस, आपका दोस्त क्वारंटीन है, इसलिए मिलने की इजाज़त हम आपको नहीं दे सकते। तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से ही आरिफ और अखिलेश यादव ने सारस को देखा। और आरिफ का कहना है कि जब तक मैं नहीं गया था तब तक मेरे सारस ने, मेरे दोस्त ने खाना नहीं खाया था, और जब मैं कानपुर के चिड़ियाघर में गया तो मैं भले अपने सारस से नहीं मिला, लेकिन सारस को शायद ये पता चल गया था कि मैं वहाँ पर आया हूँ, इसलिए सारस ने खाना शुरू कर दिया। सारस को ये लगा कि आरिफ अब मेरे पास आ गया है, मैं आरिफ से मिल लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरिफ फिर अपने घर आ गया, सारस वहीं पे कानपुर के चिड़ियाघर में अभी भी पड़ा हुआ है। किस हाल में होगा ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन आरिफ की जो हालत है वो बेहद ख़राब है। आरिफ बेहद दुख है, वो कह रहा है कि मुझे मेरे सारस से मिलवाओ, मैंने एक साल पहले अपने सारस की, उस सारस की जान बचाई थी, उसके पैर टूटे हुए थे, मैंने उसका इलाज किया था, उसके बाद से वो सारस मेरे पास ही रहता था। और इसके साथ रहने की वजह यह भी है कि सारस जो होते हैं वो हमेशा पैर में होते हैं, उसका पैर छूट गया था, इसलिए शायद उस सारस ने आरिफ को अपना पैर बना लिया, जिसके बाद से सारस आरिफ के साथ रहने लगा। ये सिलसिला लगभग एक साल तक चला। फिर किसी ने सारस और आरिफ की वीडियो बनाकर YouTube और Facebook पे डाल दी। वो वीडियो, वो फुटेज काफ़ी वायरल हुआ, वो विजुअल काफ़ी वायरल हुआ, जिसके बाद से हर एक मीडिया के चैनल, हर एक पत्रकार जाके उस पर स्टोरी करने लगे, सारस और आरिफ की दोस्ती को बताने लगे, जग जाहिर करने लगे। ये चीज़ों का सिलसिला बढ़ते रहा और लोगों को सारस और आरिफ की दोस्ती के बारे में पता चलने लगा। लोग काफ़ी खुश भी हो रहे थे, लेकिन आरिफ के लिए शायद ये दुखी की बात थी क्योंकि सारस उससे बिछड़ने वाला था, और यही हुआ भी। अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सरकार से और वन विभाग की टीम से। सोचिए, किसी ने सारस की जान बचाई, वो सारस अपनी इच्छा से उसके साथ रहता था, ऐसा भी नहीं है कि आरिफ उसे पिंजरे में रखता था, और आप उससे उसका सारस छीन के ले जा के चिड़ियाघर में रख देते हैं। मैं मानता हूँ कि कानूनी कुछ प्रावधान होते हैं जिसकी वजह से आपने ये किया, लेकिन ज़रा सोचिए कि जिस आरिफ की बात मैं कर रहा हूँ उस पर मुकदमा भी तो हो गया है, वन विभाग की टीम ने आरिफ पर मुकदमा भी कर दिया है। अब ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं इस जानवर की मदद कर दूं या इस जानवर की मैं जान बचा लूं, तो क्या वो कर पाएगा? उसके मन में तो यही ख्याल आएगा ना कि अगर मैं भी किसी की जान बचाऊंगा, किसी का इलाज करूंगा, तो मेरा हाल भी उसी आरिफ के तरह होगा जो आरिफ के ऊपर मुकदमा हो गया क्योंकि उसने एक सारस की जान बचाई थी। लोग यही सोचकर आने वाले समय में किसी जानवर की जान नहीं बचाएंगे। और रही बात आरिफ पर मुकदमे की, तो कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा नफरती राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और सारस का दोस्त आरिफ मुस्लिम है, मुस्लिम कौम से ताल्लुकात रखता है, इसीलिए आरिफ पर मुकदमा कर दिया गया है। वन विभाग से नोटिस आया है कि आपके नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया है
सारस पक्षी जो मेरा दोस्त बन गया था, इसलिए उसका पैर टूटा हुआ था, तो हम घर में लाके इलाज किए और हम चाहते थे वो चला जाए जंगल में अपने परिवार के साथ जाके रहे, लेकिन वो मेरे साथ रहने लगा। हमने उसे पाला नहीं था, वो अपनी स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जाता था, इसमें मेरा क्या कसूर। इस दौर में सरकार जॉन एलिया का एक शेर सरकार पर खूब मैच कर रहा है, खूब सूट कर रहा है। वो शेर है, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं। ये सरकार पे इसलिए सूट कर रहा है क्योंकि जो लोग खुश थे, यानी सारस और आरिफ खुश थे, उनकी खुशी को इन्हीं लोगों ने छीना। खैर, इस वीडियो पर और सारस और आरिफ की दोस्ती पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस तरह आरिफ पर मुकदमा हुआ है इस सरकार में, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अखिलेश यादव का आरिफ से मिलना और उस मिलने के बाद सरकार का आरिफ पर मुकदमा करना, ये कहाँ तक सही है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अर्नब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिए। इस वीडियो को शेयर करते करते वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया।